हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमएससी फाइनल के अंदर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपन ने किया था, उसके आगे अपन जब बात करते हैं तो दो एक नाम आते हैं जो बीच बीच में काम में आते रहेंगे। फेज स्पेस है, फेज पॉइंट है, फेज सेल है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट बातें शुरू हो जाएंगी, इनसेम्बल, टाइप ऑफ इनसेम्बल या फिर काइंड ऑफ इनसेम्बल। तो शुरुआत में करता हूँ फेज स्पेस। तो देखो, नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अपन जब किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं या उसकी स्टेट को शो करते हैं तो अपन को तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। किसमें क्लासिकल की बात करता हूँ तो तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स, वाई और जेड, और तीन ही क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। लेकिन जब पार्टिकल आपका मूविंग हो, डायनेमिक हो, तो तीन कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलता है। यानी मूविंग पार्टिकल के लिए आपके पास, मैं एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा हो तो इन तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ, एक्स, वाई, जेड के साथ साथ आपको मोमेंटम कोऑर्डिनेट और चाहिए। क्या चाहिए? मोमेंटम कोऑर्डिनेट और चाहिए, और वो तीन डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड हो जाएंगे। इस प्रकार से देखो, और किसी डायनेमिक सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट के स्टेट को दर्शाने के लिए आपके पास सिक्स कोऑर्डिनेट होने आवश्यक हैं। इसी सिक्स डायमेंशनल स्पेस को अपन फेज स्पेस बोलते हैं। ठीक बात है ना? यानी डेफिनेशन कैसे लिखोगे हम, दिस सिक्स डायमेंशनल स्पेस, सिक्स डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। फेज स्पेस कहते हैं इसे। ठीक बात ना, ये डायमेंशनल है। अब बात आती है, जैसे मान लो पार्टिकल आपके पास में एन हो, मैंने सिंगल पार्टिकल की बात की, अगर एन पार्टिकल हो तो क्या होगा, एन पार्टिकल हो तो आपको सिक्स एन डायमेंशनल स्पेस की आवश्यकता होगी, और उसको भी अपन क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। ठीक बात है ना? अब देखो बात आती है, इनमें थोड़ा सा वेरिएशन करने के लिए थोड़ा इनका नाम चेंज कर देते हैं। देखो सिक्स एन डायमेंशनल की जब बात आती है तो उसको हाइपर स्पेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हाइपर स्पेस बोलते हैं, गैसीय स्पेस बोलते हैं। ठीक बात है ना? और दोनों को मिला के अगर बोलना हो तो इसको क्या बोलते हैं? फेज स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो फेज स्पेस की डेफिनेशन आपकी याद होगी, किसी मूविंग पार्टिकल है उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों की आवश्यकता होती है, और इनको शो करने के लिए सिक्स कोऑर्डिनेट आपको चाहिए या फिर सिक्स एन डायमेंशनल आपको स्पेस चाहिए। उसी सिक्स एन डायमेंशनल स्पेस को ही क्या बोलते हैं? फेज स्पेस बोलते हैं। फिर बाद में नंबर आता है फेज पॉइंट। फेज पॉइंट, देखो फेज पॉइंट का ही दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। फेज स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल की स्टेट को शो करने के लिए जो पॉइंट काम में लिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? फेज पॉइंट या रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बोलते हैं। ठीक बात है? यानी यहाँ तक अपने कोई खास बात नहीं की, पहले वाली के अंदर एक लाइन की मात्र कि जो सिक्स एन डायमेंशनल, सिक्स एन बोल दो, वन पार्टिकल की बात हो तो सिक्स डायमेंशनल स्पेस को ही फेज स्पेस बोलते हैं। सिक्स एन डायमेंशनल स्पेस को ही फेज स्पेस, जब सिक्स एन की जब बात आती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? हाइपर स्पेस, गैसीय स्पेस या फिर गामा स्पेस बोल देते हैं। ठीक बात है? इसके बाद में फेज पॉइंट की जब बात आती है, फेज स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल के स्टेट को शो करने के लिए कोई पॉइंट अपन जो अंकित करते हैं, जो पॉइंट लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फेज पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद में एक नाम आता है फेज सेल। फेज सेल बोलते हैं। अपन क्या कर सकते हैं कि फेज स्पेस को बहुत ही स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। उन्हीं स्मॉल एलिमेंट को क्या बोलते हैं? फेज सेल बोलते हैं। किसी फेज सेल जैसे मान लो आपके पास में सिक्स कोऑर्डिनेट हैं, एक्स, वाई और जेड। दूसरा क्या था? पी एक्स,
पी वाई और पी जेड। अगर इस सेल का आपको वॉल्यूम निकालना हो तो डी टू इक्वल टू ये दिया जाता है डी एक्स डी वाई डी जेड और फिर लिखा डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर यहाँ पर दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाले हैं, फेज सेल की जो साइज है वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उस फेज सेल के अंदर फेज पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक बात ना। यानी साइज ऑफ फेज सेल इज़ वेरी स्मॉल बट नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन ईच सेल हैव लार्ज नंबर, ठीक बात है ना। यानी साइज की अगर बात करें तो बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, और नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल कितने होते हैं इसके अंदर, लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक बात है। इसके बाद में इसकी जो साइज है ये अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डिसाइड की जाती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, जैसे एक डायरेक्शन की बात करूँ तो एक्स इंटू डेल पी एक्स इक्वल टू क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, या फिर इसको नियर इक्वल टू लिखूं तो यह आ जाएगा आपका एच, एच हेयर प्लैंक कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ तो एक्स और पी डी एक्स और डी पी एक्स एच, ऐसे डी वाई डी पी वाई एच और ये एच, तीन एच हो गए तो लगभग ये कितना आ गया आपका एच क्यूब। यानी आपका जो वॉल्यूम है किस आपकी सेल का जो वॉल्यूम है, सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, वॉल्यूम है वो एच क्यूब के ऑर्डर का होता है, एच क्यूब के ऑर्डर का होता है। अब अपन बात करते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स रूप में, और अपन एन पार्टिकल लेते हैं, कितने पार्टिकल लेते हैं एन पार्टिकल लेते हैं। तो क्या लिखा, बात फेज सेल की होगी, फेज सेल की ही होगी, लेकिन अब की बार अपने क्या कर लिया, सिंगल पार्टिकल की जगह पर ले लिया एन पार्टिकल, एन पार्टिकल ले लिया। अगर आपके पास में एन पार्टिकल हैं तो इनकी पोजीशन को शो करने के लिए आपको आपके पास में 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, कितने 3n, एक पार्टिकल के लिए n, उल्टा हो गया देखो, एक डायरेक्शन के अंदर n पोजीशन कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन अपनी तीन होती हैं तो 3n, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए ऐसे, पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए, और 3n ही मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपके सिस्टम के अंदर n पार्टिकल हैं तो आपको उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी स्टेट को शो करने के लिए आपके पास 3n तो क्या होने चाहिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और 3n क्या होने चाहिए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट होने चाहिए। इन दोनों को मिलाकर टोटल कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 6n कोऑर्डिनेट हो गए। यानी इस n पार्टिकल सिस्टम के लिए 6n डायमेंशनल स्पेस चाहिए, डायमेंशनल स्पेस आपको चाहिए, और उसके अंदर जो फेज सेल होगी, अच्छा 3n होंगे कौन कौन से उनकी बात करूं तो आप ऐसे लिख सकते हो Q1 से लेकर Q3n तक, यहाँ पर क्यों है पोजिशन कोऑर्डिनेट है, और मोमेंटम की जब बात करता हूँ तो आप लिख सकते हो P1 से लेकर P3n तक लिख सकते हो। तो ये इस प्रकार से आपके पास में टोटल कितने हो गए, 6n हो गए। अब बात आती है इसका वॉल्यूम, अगर आप निकाल दें तो डी टू इक्वल टू, तो आप क्या लिखोगे डी क्यू वन डी क्यू टू और ये कहाँ तक जाएगा डी क्यू एन, ये तो हो गया आपका पोजिशन कोऑर्डिनेट के लिए। फिर इसमें करेंगे अपन डी पी एन डी पी वन डी पी टू, ऐसे करते करते डी पी एन तक। अपन थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो एच, ऐसे अगले करेंगे थोड़ा गलत हो गया, ये 3n, ये क्या है 3n आएगा, क्योंकि आपके पास में 3n ही पोजीशन कोऑर्डिनेट है और 3n ही मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा h, इसको इससे करेंगे तो दोबारा h आ गया, यानी आपका h इंटू h कितनी बार आएगा, ये आएगा 3n टाइम्स आएगा। तो ये नियरली इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं एच की पावर 3n लिखा जा सकता है, मेरे साथ समझाई बात मेरी। अब अगर अपन बात करें फेज सेल आपके पास में फिलहाल तक n पार्टिकल वाली थी, ठीक बात है n पार्टिकल थे उसके अंदर, अब आपके पास में f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो क्या करोगे,
तो देखो इसके लिए क्या आता है कि Q1 से लेकर Qf तो आपके पास में पोजिशन कोऑर्डिनेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पोजिशन कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और P1 से लेकर Pf तक आपके पास में होने चाहिए क्या, मोमेंटम कोऑर्डिनेट, क्या लिखा, मोमेंटम कोऑर्डिनेट होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूम की, इस सेल के वॉल्यूम जब निकालूंगा तो वही तरीका है, D2 इक्वल टू लिखा DQ1 DQ2 कहाँ तक आएगा, DQF, सेम ऐसे ही DP1 DP2 और DPF और DQ1 और DP1 आपका H आ जाएगा, DQ2 और DP2 और ये आपका आ जाएगा दोबारा H, कितनी बार आएगा, F टाइम्स, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H की पावर F लिखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत। अब देखो ये H की पावर F सही है या फिर इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो वॉल्यूम के लिए डिटो इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे अपन जानते हैं H अगर ये प्लैंक कांस्टेंट है तो ये आपका आएगा जूल सेकंड, इसकी यूनिट होती है, पावर F है तो F, क्या रियल में सही है, अपन इसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा एक तो लेंथ है, लेंथ पता कैसे रहा, लेंथ है, पोजिशन कोऑर्डिनेट किसका मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का करते हैं, ठीक बात है। ऐसे ही ये डीपी, ये यानी ये मोमेंटम है, मोमेंटम, और कितनी बार आएगा, ये एफ बार आएगा, तो पावर एफ हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मोमेंटम, मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, और पावर एफ है तो पावर एफ, न्यूटन इंटू मीटर की जगह क्या लिखा जा सकता है, जूल, और ये आपका क्या गया, सेकंड की पावर एफ। तो देखो इस प्रकार से यहाँ जो लिखा एच यानी प्लैंक कांस्टेंट लिखा हुआ है एकदम सही क्वांटिटी अपन ने लिखी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, किसका, फेज सेल का वॉल्यूम का आपने डायमेंशन निकाला है, और यहाँ पर आया है जूल सेकेंड की पावर एफ आया है, पहले वाले में आ जाएगा जूल सेकेंड की पावर 3N आ जाएगा। फिर बाद में एक नाम आता है बार बार, फेज ट्रेजेक्ट्री। तो फेज स्पेस के अंदर जो अपना फेज पॉइंट है या पार्टिकल है एक कर्व ट्रेस करता है, उसी कर्व को क्या बोलते हैं, फेज ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नॉर्मल सी बातें अपनी हो चुकी हैं, यहाँ पे दो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट की अपन ने, फेज स्पेस किस हैं, जो 6 डायमेंशनल स्पेस है सिंगल पार्टिकल के लिए उसी को फेज स्पेस बोलते हैं, एन पार्टिकल सिस्टम है तो आप लिखोगे 6N डायमेंशनल स्पेस है उसी को क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। 6N डायमेंशनल स्पेस का ही दूसरा नाम है हाइपर स्पेस, जी स्पेस, गामा स्पेस, ये कुछ अदर नाम है, ठीक बात है ना। फिर बाद में बात आती है फेज पॉइंट, तो फेज स्पेस के अंदर पार्टिकल की पोजीशन या उसके स्टेट को शो करने के लिए जो पॉइंट लिया जाता है उसी पॉइंट को फेज पॉइंट बोलते हैं। फेज पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट नाम है। फिर बाद में आते हैं फेज सेल, तो फेज स्पेस को आप छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हो, वॉल्यूम कितना था, किसी सिंगल पार्टिकल की बात होगी, सिंगल पार्टिकल सिस्टम की बात होगी तो D2 इक्वल टू DX DY DZ DPX DPY DPZ आपने लिखा है, ठीक बात ना। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो फेज सेल है उसकी साइज है बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल साइज बट हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल फेज पॉइंट, ठीक बात ना, यानी आकार छोटा है लेकिन उसके अंदर क्या है, फेज पॉइंट बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। इसके बाद में अपन ने इसी को आगे बढ़ाया था एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, एन पार्टिकल सिस्टम का अपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, और फिर बाद में ऐसे सिस्टम का भी वॉल्यूम फाइंड आउट किया था जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एफ है। इसके बाद में अगला और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है इंसेम्बल, तो ये लिखा इंसेम्बल, इंसेम्बल्स। तो देखो इंसेम्बल में एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर अपने हम, कि व्हाट इज इंसेम्बल या डिफाइन इंसेम्बल, और फिर बाद में इसके काइंड ऑफ इंसेम्बल भी आ जाते हैं, काइंड ऑफ इंसेम्बल या टाइप ऑफ इंसेम्बल भी आ जाते हैं। आज मैं केवल इंसेम्बल की बात करता हूँ। तो इंसेम्बल क्या है, एन इंसेम्बल एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, यानी ये कलेक्शन है किसका, लार्ज नंबर बहुत बड़ी संख्या, किसका,
ऐसे सिस्टम का कलेक्शन है जो मैक्रोस्कोपिकली तो क्या हो, आइडेंटिकल हो और एक दूसरे से क्या हो, इंडिपेंडेंट भी हो। इन दो बातों, इसमें दो शब्द काम में लिए हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिकली, आइडेंटिकल, ठीक बात है, और दूसरा लिया है इंडिपेंडेंट, दूसरा नाम दिया है इंडिपेंडेंट। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का अर्थ क्या है और इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है, ये दोनों बात करूंगा। तो देखो, ये जैसे मान लो अपने पास में कोई इंसेंबल है जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये क्या है आपके, ये बहुत बड़ी संख्या में आपके पास में सिस्टम है, लिखा ना कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स जिनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हों और इंडिपेंडेंट हों, ठीक है ना। तो देखो मैं बात करता हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम सबकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो मैक्रोस्कोपिकल या मैक्रोस्कोपिक कंडीशन जो हैं वो सेम हो सबकी, ठीक है। जैसे मैक्रोस्कोपिक कंडीशन कौन सी है, प्रेशर, क्या बात की, प्रेशर, यानी इस सेल या इस सिस्टम का प्रेशर पी है तो इन सबका क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, ठीक बात है। फिर बाद में बात करता हूँ वॉल्यूम वी, यानी अगर प्रत्येक सिस्टम का वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, इसका मतलब है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समान होना, और मैक्रोस्कोपिक यानी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है वो क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का अर्थ ये है कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, यानी सिस्टम नंबर फर्स्ट है वो सेकंड पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और सेकंड वाला थर्ड, थर्ड वाला फर्स्ट के आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक बात है ना। तो इस प्रकार से इनसेम्बल की डेफिनेशन क्या हो गई, सबसे पहली बात तो ये बताओगे, ये दो बात समझ आ गई कि मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। आइडेंटिकल का मतलब है इनकी जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर हो सब के क्या है, सेम है, या इसकी इनकी मैक्रोस्कोपिक कंडीशन सिस्टम्स की हैं वो क्या है, सेम है। फिर इंडिपेंडेंट यानी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो देखो डेफिनेशन इस प्रकार से लिखोगे आप, एन इनसेम्बल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स विच है मैक्रोस्कोपिकल या मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल एंड एसेंशियली इंडिपेंडेंट। मैक्रोस्कोपिकल आइडेंटिकल का मतलब है मैक्रोस्कोपिक कंडीशन आर सेम, और इंडिपेंडेंट यानी द सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अच्छा, इनसेम्बल के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं उनका हैमिल्टोनियन है वो क्या होता है, सेम होता है। तो देखो आज इतना ही करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे टाइप्स ऑफ इनसेम्बल। थैंक यू।